तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 44 mAh इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 volt 50 Hz AC supply, determine the RMS value of the current in the circuit. तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 44 mAh, यानी कि mH, यानी कि mH हमारा हुआ मिली हेनरी, मिली हेनरी। mH कहने का मतलब हुआ हमारा मिली हेनरी। इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 volt 50 Hz AC सप्लाई, मीन्स कोई एक सर्किट है, उस सर्किट में हम AC सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, AC सप्लाई को जोड़ देते हैं, जो AC सप्लाई प्रोड्यूस करता है 220 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और 50 Hz फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। तुमको फाइंड करना है, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। हमको सर्किट में RMS वैल्यू, करंट के RMS वैल्यू को फाइंड करना है। RMS वैल्यू कहने का मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द करंट, मीन्स डेट करंट का रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमको उस सर्किट में फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन, यानी कि एक वायर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम एक इंडक्टर को प्लेस करते हैं। इंडक्टर का सिम को इस तरह हम ड्रॉ करते हैं और फिर यहाँ पे एक AC सप्लाई, यानी कि AC डिवाइस जो AC प्रोड्यूस करे, यहाँ पे हम डिवाइस वो लगा दिए। कि AC का सिंबल जो ये होता है और उसको हम डिनोट करते हैं E से, और AC सिंबल AC को, AC का जो डिवाइस होता है उसको हम डिनोट इससे करते हैं। और फिर यहाँ से एक और वायर लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये जो हमारा हो गया स्प्रिंग टाइप का, ये हमारा हो गया L, यानी कि इंडक्टर। इंडक्टर को हम यहाँ पे जो इंडक्टर है इसको हम L से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा इंडक्टर सर्किट में यहाँ पे हो गया। और इंडक्टर में हमारा इंडक्टर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है mH, यानी कि मिली हेनरी, 44 मिली हेनरी। हम फिर मिली हेनरी को हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे आगे। तो हमारा ये हो जाता था सर्किट, और इस सर्किट में हमको RMS वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि करंट का, यानी कि करंट का जो RMS वैल्यू जो होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होगा, हमको उसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे बता दें, फिजिक्स के क्लास 12th अल्टरनेटिंग करंट AC चैप्टर में मेनली 7 तरह के सर्किट को डिस्कस किए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला सर्किट है वो है आर सर्किट, जिसको हम रेसिस्टर सर्किट ही बोलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये हमारा L सर्किट पे डिपेंड है, क्योंकि L को हम इंडक्टर से डिनोट करते हैं, और इस क्वेश्चन को L सर्किट्स पे ये बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सातों सर्किट को यहाँ पे लिख डालते हैं। सबसे पहला है जिसमें कि हमारा R सर्किट है, दूसरा सर्किट है हमारा C सर्किट यानी कि कैपेसिटर सर्किट, तीसरा सर्किट है L सर्किट यानी कि इंडक्टर सर्किट, जो यहाँ पे क्वेश्चन इसी सर्किट पे बेस्ड हुई क्वेश्चन है। तो चौथा सर्किट है हमारा यहाँ पे LR सर्किट यानी कि इंडक्टर रेसिस्टर सर्किट। पांचवा सर्किट है CR सर्किट यानी कि कैपेसिटर रेसिस्टर सर्किट। छठा सर्किट है हमारा LC सर्किट यानी कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर सर्किट। यहाँ पे हमारा आ जाता है लास्ट वन सर्किट, सातवां सर्किट, जो है हमारा LCR सर्किट। हमारा सेवन्थ नंबर सर्किट है LCR सर्किट यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर रेसिस्टर सर्किट। तो हमारा ये हो जाता है 7 तरह का सर्किट, जिसमें से आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, एल आर सर्किट, सी आर सर्किट एंड एल सी सर्किट और एल सी आर सर्किट। तो हमारा ये हो जाता है 7 तरह का सर्किट, जिसमें कि तीसरा नंबर सर्किट हमारा एल सर्किट यानी कि इंडक्टर सर्किट के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो इस इंडक्टर सर्किट में हमको फाइंड करना क्या करना है, RMS वैल्यू ऑफ द करंट, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द करंट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमारा गिवन है L यानी कि इंडक्टर। इंडक्टर हमारा कितना गिवन है, इंडक्टर का वैल्यू 44 mH। यहाँ पे मिली हेनरी है, तो मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो 44 × 10⁻³ हेनरी आ जाएगा। तो हमारा ये हो गया L इंडक्टर का वैल्यू। अब दूसरा हमारा गिवन है यहाँ पे वोल्टेज। वोल्टेज को हम यहाँ पे पोटेंशियल ही बोल सकते हैं, वोल्टेज यानी कि भी, वोल्टेज को हम भी से डिनोट करते हैं। तो वोल्टेज का हमारा वैल्यू दिया हुआ है 220 V, और फिर यहाँ पे गिवन है 50 Hz यानी कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे गिवन है फ्रीक्वेंसी को हम जनरली डिनोट करते हैं, हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल वी से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम एन से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमारा वोल्टेज यहाँ पे भी हो गया, फिर वी होगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसका नाम हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में गिवन है 50 Hz यानी कि हर्ट्ज। अब हमको फाइंड करना है RMS। अब हमको यहाँ फाइंड करना है RMS वैल्यू ऑफ द करंट, इसको हमको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फार्मूला को, हमारा फार्मूला है RMSI यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द करंट। इसके लिए हम इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं V अपॉन XL, V अपॉन XL। XL हमारा यहाँ पे क्या है,
तो यहाँ पे हमारा V जो है इंडक्टर, V जो है हमारा वोल्टेज जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है 220 वोल्टेज, और यहाँ पे XL जो है, XL जो हमारा इस कंडक्टर का जो है रिएक्टेंस। तो हमारा इंडक्टर का यहाँ पे XL हो जाएगा रिएक्टेंस, जिसको कि हम XL को हम यहाँ सिंपली कह सकते हैं इस इंडक्टर यानी कि L, इंडक्टर का ये रिएक्टेंस होगा यानी कि X होगा। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है XL। अगर XL को हम डिवाइड दे देंगे वोल्टेज यानी कि 220 को, 220 से हम डिवाइड दे देंगे XL को, तो हमारा RMS वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले यानी कि हमको XL फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि इस इंडक्टर का L का हमारा क्या रिएक्टेंस होगा इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं 2πN × L। 2π यहाँ पे हमारा 2π हो जाएगा, फिर यहाँ पे N यानी कि फ्रीक्वेंसी, हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की मैंने 50 हर्ट्ज, और हमको यहाँ पे L यानी कि हमारा गिवन है इंडक्टर का वैल्यू है 44 mH, जिसको हम कन्वर्ट किए हैं हेनरी में, तो हमारा आया है वैल्यू 44 × 10⁻³ हेनरी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम लोग इसको लास्ट में कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको XL का यहाँ पे वैल्यू पूरा आ गया 2π × 50 हर्ट्ज × 44 × 10⁻³ हेनरी, हमको XL का वैल्यू फाइंड हो गया। हम RMS आई निकाल सकते हैं, RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल्स टू V, यानी कि हमको वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 अपॉन, फिर यहाँ पे हमको XL का वैल्यू यहाँ पे पता हो गया 2π × 50 हर्ट्ज × 44 × 10⁻³। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कटपुट करेंगे, तो हमारा फाइनली आंसर आएगा, तो यहाँ पे हम 10⁻³ को ऊपर करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, और फिर यहाँ से 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल होगा, और फिर यहाँ से 22 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 10³ ऊपर है, और फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा 5 × 10 2π × 10। तो हमारा ये आ गया, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो हमारा आंसर आएगा 15.9 एम्पियर करंट का जो है असाइनमेंट होता है वो होता है एम्पियर। तो हमारा इस तरह से हमारा आंसर आ गया 15.9 एम्पियर, जो कि करंट हमारा RMS वैल्यू ऑफ द करंट, हम सर्किट में RMS वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड किए, तो हमारा आया 15.9 एम्पियर। तो इसमें हम किए कुछ नहीं, सबसे पहले हम RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द करंट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं V/XL। XL यहाँ पे हमारा इंडक्टर का रिएक्टेंस, इंडक्टर का क्या रिएक्टेंस होगा इसको हम सबसे पहले XL फाइंड किए हैं 2πN × L से, हम इसको XL पे फाइंड किए हैं, हम उसके बाद फाइंड किया तो हमारा इतना आ गया। उसके बाद हम इसको डिवाइड दे दिए हैं वोल्टेज से, हमारा वोल्टेज का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में गिवन है 220 वोल्ट, और फिर हम इसको यहां से सॉल्व किए तो हमारा आ गया 15.9 एम्पियर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा AC सर्किट में, AC पूरा अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में हमारा 7 सर्किट डिस्कस किए गए, जिसमें कि हर सर्किट का अलग अलग AC अल्टरनेटिंग करंट यानी कि RMS वैल्यू फाइंड करने के अलग अलग फॉर्मूला यूज किए जाते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस